महामूर्ख हैं सभी। हमारे लिखे पत्र को पढ़कर भाव विभोर हो रहे होंगे। बस पंडित रामकृष्णा के पुणे आने के पश्चात उचित समय पर पहुंचकर सारा श्रेय हम स्वयं ले लेंगे। और हाँ, हमारे इस षड्यंत्र में आपको बस ऐसे रहना है जैसे हम यहाँ है ही नहीं। परंतु आप तो यहाँ हैं। ये केवल आपके लिए है। ये तो हमें ज्ञात है, किंतु आप किसके लिए नहीं हैं? किसी के लिए नहीं है। हम वो पक्षी हैं जो किसी को भी दृष्टिगत नहीं होते हैं। हाँ, आप पक्षी हैं, किंतु हमने तो कभी आपको उड़ते हुए नहीं देखा। सौदामिनी उदाहरण दे रहे हैं। आपको ऐसा व्यवहार करना है कि आपने हमें देखा ही नहीं। अरे आप मुख फेर कर क्यों खड़ी हो गई? कुछ बोलती क्यों नहीं? हमें अनदेखा क्यों कर रही हो सौदामिनी? कुछ बोलो ना। आप ही ने तो हमसे कहा था कि ऐसा व्यवहार करना जैसे कि आप यहाँ उपस्थित ही नहीं है। वही तो कर रहे हैं हम। हाँ, ऐसा हमारे साथ नहीं, दूसरे के साथ व्यवहार करना है। यदि कोई दूसरा इस कक्ष में आए तो उसके साथ ये व्यवहार करना है कि हम यहाँ है ही नहीं। और वो स्वच्छता कर्मचारी आए तो भी? हाँ। और वो दूध वाला आए तो? अरे दूध वाला, सब्जी वाला, भाजी वाला, लहसुन वाला, अदरक वाला, टमाटर वाला, प्याज वाला, श्वेत वाला, श्याम वाला, धोबी वाला, कोई भी आए उसको आभास नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ है। और वो भोजन वाला आए तो? अरे भोजन, मेरी अम्मा, भोजन वाला भी आए तो उसे भी कह देना कि हम। हाँ? नहीं नहीं, भोजन वाला आए तो उसे कहना दो लोगों का भोजन बना दे, नहीं चार लोगों का भोजन बना दे, हमें अत्यंत भूख लगी है। यदि हमने उससे कहा कि आपको बहुत भूख लगी है तो उसे ज्ञात हो जाएगा आप यहाँ उपस्थित है। हमें भूख लगी है नहीं, तुम्हें 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 भूख लगी है ये कहना है, ताकि हमें खाने के लिए भोजन मिल जाए, समझी? कैसा बना है महाराज भोजन? अद्भुत अद्भुत, अर्थात स्वादिष्ट बना एकदम। यहाँ हमारा भाई वासुदेव रात से घर नहीं लौटा है और आप हैं कि यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नहीं महारानी चिन्ना देवी, ये भोजन तो हम मन मार के ग्रहण कर रहे हैं, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्यों कर रहे हैं महाराज? अर्थात हम इस प्रयोजन से कर रहे हैं कि पेट भरा रहे और मस्तिष्क चलता रहे हमारा, कि आपके भ्राता वसुदेव को, कुमार वसुदेव को उस कक्ष से बाहर कैसे निकाला जाए शीघ्र अति शीघ्र। आपको पंडित रामकृष्ण पर भरोसा नहीं है? पंडित रामकृष्ण पर तो पूर्ण भरोसा है, परंतु आपके भ्राता पर और उस बंद कक्ष पर भरोसा नहीं है। न जाने वहां क्या हो रहा होगा। कक्ष में हमारा क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है, अब जो करना है हमें ही करना होगा, क्योंकि जहाँ नहीं आना था वहाँ आ चुके हैं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। और यदि अपने प्राण प्रिय हैं तो सर्वप्रथम कुमार वासुदेव को ढूंढना होगा, यहाँ खड़े खड़े भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। गुंडप्पे, मैं मशाल लेकर आता हूँ, तू दो बड़े बड़े चिकने पत्थर उठा कर ला। हाँ अम्मा, अपनी लाठी संभालो, शारदा अपना नौलखा हार उठा लो। अरे ये मसाल तो निकल ही नहीं रहा है,
अब तेरी सहायता तेरे आले। नहीं नहीं मैं कर लूंगा। अरे क्या हुआ माँ? अरे तुम लोग सब साथ ही हो ना, किसी की वाणी क्यों नहीं सुनाई दे रही? क्या पत्थर? अरे हेमा जल जाए। चल गया चल गया। अम्मा भगवान ये तो सुरंगों की भूल भुलैया लगती है, और नन्हा सा वासुदेव पता नहीं किस अवस्था में होगा। अम्मा वासुदेव कीड़ा है व्यर्थ ही भयभीत हो रहा रामा, ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों वाली साधारण सी गुफा है। अर्दा गुंडप्पा गुंडप्पा अम्मा अम्मा शायद अपने गुफा तो साधारण भी नहीं है। नहीं नहीं साधारण क्या भयावह नहीं है। नहीं नहीं भयावह क्या भूतिया है, यहाँ तो कंकाल भी वार्तालाप करते हैं। कंकाल नहीं हम बात कर रहे हैं, पीछे देख। कंकाल से ज्यादा भयावह तो तुम लोग लग रहे हो। आप भी तो भयावह लग रहे हैं। इससे पहले कि भय से हमारे प्राण निकल जाए हमें बाहर निकालिए यहाँ से। मुझे भी बहुत भय लग रहा है। हैं? अच्छा मैं अभी अपनी जादुई छड़ी घुमाता हूँ और तुम लोग यहाँ से बाहर निकलते हो, ठीक है? यदि तेरे पास दादू की थाली थी तो इतना विलंब क्यों किया? ये उपहास कर रहे हैं, यहाँ हमारी भय से जान निकली जा रही है और ये है कि उपहास कर रहा है। हम सब साथ में है फिर भी इतना भय लग रहा है, बेचारे वासुदेव का क्या हाल हो रहा होगा। हमारा भाई पूर्ण रात्रि व्यथित हो रहा होगा उस कक्ष में। पता नहीं बेचारा ठीक से सो भी पाया होगा या नहीं। कौन जाने उस कक्ष में बेचारा अकेला कहां कहां भटक रहा होगा। जी जी महाराज, और आप है कि आपको हमारे भ्राता की कोई चिंता ही नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप महारानी जी, ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? हमने अपने राज दरबार के दो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है और आप कह रही हैं हमें चिंता नहीं। हमें है चिंता, इतनी चिंता है, इतनी इतनी चिंता है कि हमें प्रतीत होता है वो हमारे समक्ष स्वयं चल के आ रहे हैं। महाराज हमारा वासुदेव, वासुदेव आ गया महाराज।
हम गए कराते जो आ गए। वहाँ उस खड़कते हुए द्वार के कक्ष में। कौन सा द्वार? वही जहाँ आप खेल रहे थे। ओ उसमें, उसमें तुम गए ही नहीं। गए नहीं अर्थात आपके वस्त्र हमें वहाँ पे। हाँ हमारे गेंद उस कक्ष में चले गए थे, तो हम अपने वस्त्र की सहायता से उस कक्ष के वातायन से उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु गिर गए। तत्पश्चात हम चुपचाप अपने कक्ष में आकर सो गए। आप वहाँ गए नहीं? नहीं। क्यों नहीं गए आप? महाराज आप इस प्रकार वासुदेव पर कुपित क्यों हो रहे हैं? अच्छा है ना ये वहाँ नहीं गए, बच गए। ये तो बच गए परंतु हम फंस गए ना महारानी। किस प्रकार महाराज? ये अपने कक्ष में जाकर सो गए परंतु वो लोग वहाँ फंस गए ना, गुरुवर पंडित रामकृष्ण उनका परिवार। अब स्वयं हमें जाना होगा उस कक्ष। हम नहीं, सिपाहियों को भेजना होगा हमें। नहीं नहीं महाराज आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यदि आप सेना को वहाँ भेजेंगे तो वे सब वासुदेव के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और यदि वो सब सकुशल नहीं लौट कर आए तो लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे महारानी? महाराज सब सकुशल वापस आएंगे, आपने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण पर आपको पूर्ण विश्वास है। जी वो तो है परंतु जब तक वो सब लौट कर नहीं आते हैं सकुशल, हमें कुमार वसुदेव को यही इस कक्ष में छुपा के रखना होगा। कुमार 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 वसुदेव आप कहाँ जा रहे? जब तक सब लौट कर नहीं आते आपको यही इसी कक्ष में छिप कर रहना होगा। नहीं हमें भूख लगी है। यदि आपको भूख लगी है तो आप यही इस कक्ष में रहिए, हम आपके खाने पीने का प्रबंध यही इस कक्ष में कर देते हैं, आपको जो चाहिए वो देंगे। अच्छा जो चाहिए वो मिलेगा? जी जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो ठीक है, सर्वप्रथम हमें 56 भोग चाहिए। 56 भोग खाएंगे आप? हाँ अन्यथा हम बाहर चले जाएंगे। अच्छा आप हमें शर्तों के बंधन में बांध रहे हैं। हाँ उचित है आपका अधिकार बनता है, हम प्रबंध करते हैं आपके लिए यही इसी कक्ष में 56 भोग का। सचमुच हमारे गुरुजी ने बहुत ही बड़ा त्याग किया है मनी, स्वयं ही चले गए महल के खड़कते द्वार में। जाते जाते हमारे बुढ़ो ने कुछ अच्छा कार्य किया है। प्रथम बार हमारे गुरुजी के किसी कार्य पर उनके शिष्य होने पर हमें लज्जा ही नहीं आ रही है। अरे लज्जा कैसे आएगी, हमारे गुरुजी ने कार्य ही कुछ ऐसा किया। धनी हमें भी अपने गुरुजी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ किंतु करें तो क्या करें मनी? देखो हमारे गुरु जी धोतिया कक्ष से बाहर तो आने वाले हैं नहीं, वहीं से वहीं परलोक सिधार जाएंगे, तो हमें चलकर संभालना चाहिए। सत्य वचन मनी, हमें बेचारी गुरु माता को जाकर सांत्वना तो जरूर देनी चाहिए। अरे धनी हम गुरु माता की बात नहीं कर रहे, हम सौदामिनी देवी की बात कर रहे हैं। तेरे द्वार खड़े हैं जोगी, आजा आजा। सौदामिनी देवी, सही कहा तूने मनी, सौदामिनी देवी को सांत्वना देना तो अति अनिवार्य है, हमारा कर्म है ये, हमारा धर्म है ये, जीवन मर्म है ये। ये हमारा भी जान था धनी, हम सर्वप्रथम जाना चाहते तो सौदामिनी देवी के पास। रुक रुक लामा, पहले मुझे बचा। नहीं नहीं पहले मुझे बचाइए, वो हम तीनों को बचाएगा। मैं केवल कुमार वासुदेव को बचाऊंगा, तुम तीनों को तो कदापि नहीं बचाऊंगा। तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतनी जल्दी भूल जाएगा कि हम तीनों। नहीं नहीं मैं तो कदापि नहीं भूला हूँ कि तुम तीनों ने ही मुझे इस भयावह कक्ष में धकेला था। हम तो उपहास तल लेते लामा, हम तीनों तो तेरी सहायता ही तल ले आए ना लामा। हाँ, हाँ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जल में गिरे तो हर हर गंगे क्यों? तू मेरा इकलौता पुत्र है, मैं तेरा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। तू मेरा इकलौता मित्र है लामा, यदि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ ही लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
आप हमारे इकलौते पति हैं। हम ना आपका हाथ छोड़ेंगे और ना साथ, चाहे कुछ हो जाए। क्या पति एक ही होता है? साथ रहने में क्या आपत्ति है, हम आपके साथ ही रहेंगे। पक्का? चाहे कुछ भी हो जाए साथ में रहोगे? मूषक, अभी तो कह रहे थे चाहे कुछ भी हो जाए अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अभी एक मूषक से भयभीत होकर अकेला छोड़कर भाग गए। डरपोक, खिलौना। हाँ सौदामिनी, मैं जाऊंगा। इन वस्त्रों में जाएंगे तो सौदामिनी देवी भगा देंगी। हाँ मैं जाऊंगा। हमें कुछ सुनाई दे रहा है। मैं जाऊंगा। ये मूषक सूंघते हुए इसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गुरुजी, मनी, गुरुजी की आत्मा सौदामिनी के घर में भटक रही है। नहीं, ऐसे कपटी पाखंडी की आत्मा भटक नहीं सकती। यमराज उसे सीधे नरक ले जाएंगे। अर्थात गुरुजी यहीं पे? चल चल के देखते हैं। हमें छुपना होगा। कहाँ छुपे? नहीं, यहाँ यहाँ। सौदामिनी, इन दोनों मूर्खों को भीतर मत आने देना, वहीं से विदा कर देना। हाँ, जाती हूँ। हमने अपने कानों से गुरुवार की वाणी सुनी है। हाँ, हमारे गुरुजी यहीं है ना? कहाँ है गुरुवार हमारे? नहीं, वहाँ 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 हर जगह है गुरुवार। वहाँ वहाँ कहाँ है हमारे गुरुजी? मूर्ख सौदामिनी देवी की भावनाओं को समझो। हमारे गुरुजी के ऊपर चले जाने के बाद सौदामिनी देवी को चारों तरफ हमारे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सौदामिनी देवी आप चिंतित मत होइए, अब आपको उस बुड्ढे की हमारे गुरुजी की स्मृति में ये सुंदर जीवन नहीं बिताना होगा। सौदामिनी, मैं हूँ ना तुम्हारा धनी। मैं भी तो हूँ आपका मनी। आप हम जैसे सम्मानित व्यक्ति में भरोसा कीजिए, हम गुरुजी की तरह छल कपट और पाखंड से कुछ नहीं होती आएंगे। जो भी मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। सौदामिनी, मैं हूँ तुम्हारा धनी। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम दोनों मिलके आपको संभाल लेंगे, एक उनकी पदवी और एक आपको। अब हमें बस इतना ही निर्णय करना है कि किसे पदवी मिलेगी और किसे मिलेगी सौदामिनी। हम एक रात्रि के लिए लुप्त क्या हुए? ये तो बंटवारे पर आ गए, जैसे कि यही हमारे उत्तराधिकारी हो। इन दोनों को पाठ पढ़ाना होगा। अभी करता हूं तुम्हारा बंटवारा। कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा ज्ञात नहीं इनकी अगली मांग क्या होगी। भोजन तो हो गया परंतु संतुष्टि नहीं मिली। 56 भोग अकेले खाके भी संतुष्टि नहीं मिली? अब क्या पूरा भंडार गृह यही मंगवाया हूं? हमारे लिए ना एक लकड़ी का घोड़ा मंगवा दीजिए। लकड़ी का घोड़ा? हाँ, तनिक खेलेंगे तनिक झूलेंगे
अनिता भोजन का पाचन कैसे होगा? ठीक है, मंगवा देते हैं लकड़ी का कोड़ा। कुछ समय और इनकी मांगे पूर्ण कर दीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। पंडित रामकृष्णा चतुर हैं, बहादुर हैं, होशियार हैं, वो सब ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखिए। मूषक, मूषक। रामा मूषक से भयभीत हो रहा है। मूषक नहीं बंधु, मूषकों की सेना है, देख। ए, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, भोजन की पोटली भी अम्मा के पास रह गई। वो क्या था? लेती होगा, इतना बेटा लौटती हो सकता है? शैतान था, कोई नरभक्षी भी तो हो सकता है ना अम्मा। अम्मा, आपका पुत्र बेचारा अकेले कैसे सामना करेगा? हमें हमारे इकलौते पति के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए ना? शालदा, लामा तब तंबाल लेगा, उसके बाद कोई ना कोई उपाय लेता है या तमत्या का।